दोस्तों नमस्कार आदाब। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि शंख कैसे बजाया जाता है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शंख बजाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 मिनट में सीखो, 2 मिनट में सीखो, लेकिन उसको टेक्निकली अगर हम फॉलो करते हैं, उसको कैसे बजाते हैं, तो आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। लेकिन इसको बजाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको सांस लेने की और छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपने पिछले वीडियो में देखा कि इसको यहाँ से एक होल रहता है ऐसे, और ये होल में से एकदम छोटा सा यहाँ इस साइड पे ओपन होता है, और जब हम हवा फूंकते हैं और उसकी आवाज़ आती है तो यहाँ से गूंज के वो बड़ी हो जाती है। तो उसको उस हवा को आवाज़ में बदलने के लिए हमारे अंदर की सांस है, बहुत ताकत से हमको जोर से वो लेनी पड़ेगी और धीरे धीरे उसको बाहर इस होल में ब्लो करना है, फूंकना है उसकी उस होल में। और उसको फूंकते समय एकदम ऐसे जोर से नहीं फूंकना है, तो ताकि जो लंबे समय तक हम इसको बजा सकते हैं वो नहीं बजा पाएंगे। तो इसको इसका एक तरीका है फूंकने का। जैसे ही हमारी पेन की एक छोटी सी रिफिल रहती है, तो बिल्कुल उसी तरह हमारे होठों के बीचों बीच यहाँ से उस होल में से हवा बाहर आएगी। ऐसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद सिर्फ ब्लो करने से वो हवा उसमें आवाज़ नहीं आएगा, तो उसको थोड़ा सा हमको वाइब्रेट करना है। तो जैसे ही आवाज़ आती है, कोई भी आवाज़ अगर आनी है तो उसको थोड़ा सा कंपन होना पड़ता है, वाइब्रेशन होना पड़ता है, तभी आवाज़ निकलती है। तो जैसे हमारे होठों के बीच में जो होल रहता है उसमें से थोड़ा सा वाइब्रेशन होना चाहिए, जैसे ऐसी तरह। ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूं विदाउट शंख के कैसे ब्लो करते। ये हो गई विदाउट शंख वाली। अभी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं शंख में उसको फूंकना। तो जैसे ही आपको फूंकना है तो होठों को एकदम लूज भी नहीं छोड़ना है और एकदम टाइट भी नहीं करना है। जैसे आपको इस तरह से पकड़ना है, अब की हमारी गर्दन जो है थोड़ा सा ऊपर झुकेगी। तो अभी देखिए आप, तो आपने शुरू में देखा तो थोड़ी सी अजीब जैसी आवाज शुरू होती है। तो इसको प्रैक्टिस जैसा करेंगे तो शुरू में से ही हमको वो टेक्निक आ जाती है कि एकदम वाइब्रेशन, एक्यूरेट वाइब्रेशन कैसे करना है। तो वापस से ट्राई करते हैं, तो आप देखिए यहां पे। तो ऐसे बजाया जाता है। तो जैसे ही हम हवा बाहर छोड़ेंगे तो हमारे पेट का और फेफड़े का जो प्रेशर है वो बाहर आता है, तो इससे हमारे सेहत में सुधार होता है। और जिसको प्राणायाम बोलते हैं, योगासन के बाद जो प्राणायाम बोलते हैं, तो ये इसी का एक प्रकार है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्राणायाम और योग साधना भी करनी पड़ेगी। जैसे ओम की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओम की प्रैक्टिस करने से हमारा सांस जितना लंबा जाता है उतना हम लंबा खींचेंगे, ताकि इसको ज़्यादा लंबे समय तक ब्लो कर सके। वो अभी वापस से हम ट्राई करते हैं। अभी मैंने ज्यादा अंदर सांस नहीं ली थी, अभी वापस से एक बार ट्राई करते हैं ज्यादा सांस लेके। और ये आवाज़ सिर्फ हवा की आवाज़ आई, क्योंकि
हमारे होठों के बीच में से कंपन नहीं हुआ, इसलिए ऐसी आवाज निकल गई। तो ऐसा भी आपको शुरू शुरू में ऐसी आवाज निकलेगी तो आप अपनी कोशिश मत छोड़िएगा। और आखिर में आपको थोड़ा सा ये टेक्निक है, जोर से हवा फूंक के तो उसमें थोड़ा सा आवाज में बदलाव आता है तो थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये हो गया आपके आज के इस वीडियो में, जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।